इस सवाल में आपको दिया गया है कि एक लिफ्ट है जो कि ऊपर जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी 4 मीटर्स पर सेकंड से। इस लिफ्ट में खड़ा एक आदमी ऑब्जर्व करता है कि इसके टॉप से एक स्क्रू खुल के गिर जाता है। आपसे पूछा गया है कि इस स्क्रू को लिफ्ट के फ्लोर से टकराने में कितना समय लगेगा। लिफ्ट की हाइट आपको दे रखी है 9 मीटर्स। अब विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, आप लिफ्ट के रेफरेंस फ्रेम में देख लीजिए या फिर इस आदमी के रेफरेंस फ्रेम में देख लीजिए, बात एक ही है क्योंकि आदमी लिफ्ट के अंदर ही खड़ा है। तो विथ रेफरेंस टू लिफ्ट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्क्रू एज सीन फ्रॉम लिफ्ट इज इक्वल टू 0। अगर हमने ऊपर पॉजिटिव ले रखा है, नीचे नेगेटिव ले रखा है, तो जब स्क्रू इसमें से खुलेगा तो स्क्रू की जो वेलोसिटी है खुलने से जस्ट पहले तक लिफ्ट के बराबर ही रहेगी क्योंकि लिफ्ट के साथ साथ ऊपर जा रहा था। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्क्रू एज सीन फ्रॉम लिफ्ट विल बी 0। एक्सेलरेशन ऑफ स्क्रू एज सीन फ्रॉम लिफ्ट ये कितना हो जाएगा? इसका एक्सेलरेशन है -g और लिफ्ट का एक्सेलरेशन है कुछ भी नहीं, तो सिंपली -g। डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्क्रू एज सीन फ्रॉम लिफ्ट हो जाएगा नीचे की तरफ 9 मीटर्स, मतलब -9 मीटर्स। आपसे टाइम पूछा गया है। अगर हम यूज करें फॉर्मूला एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो हमारे पास टाइम आ जाएगा टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h/g। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 × 9/g की वैल्यू 10। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9/5। ये हमने यूज किया यहाँ पे फॉर्मूला एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या फिर रिजल्ट अंडर रूट ऑफ 2h/g। बात देखिए, तो हमारे को पता चल गया कि लिफ्ट के अंदर स्क्रू को फ्लोर तक गिरने में कितना समय लगेगा।